अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं। मैं इरफान राजपूत, वेलकम बैक, आपके साथ हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इरफान भाई काफ़ी टाइम हो गया नई वीडियो नहीं आई, कमेंट्स आ रहे थे कि इरफान भाई नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। जी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है, इरफान भाई आ चुके हैं। और आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे बहुत 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 ज़्यादा परेशानी हुई है। परेशानी आपके सामने है कि पाकिस्तान के हमारे कराची शहर के मौसम बहुत ख़राब थे, बारिशें हुई हैं, हवाएं थी, उन बारिशों में भी हम वहाँ पड़े हुए थे। आपको दिखाते हैं, आइए मेरी वीडियोस देखिए, स्टार्ट से कहाँ से हमने शुरू किया और अख्ताम तक आपको पहुँचाते हैं, आइए। वालेकुम दोस्तों, ये हमारे केसर भाई, केसर भाई ने अभी हीरा निकाला, ये देखें, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त केसर भाई, देख रहे हैं आप हीरा, ये हमारे केसर भाई ने अभी निकाला है। और इससे पहले हम एक हीरा और निकाल चुके हैं और हीरे से ज्यादा हम गिस्सर मार चुके हैं, ये देखिए गिस्सर। अंदाजन ये वजन कितना होगा इसका भाई? इसका वजन तकरीबन 4 किलो के करीब है, 3 से 4 किलो। किलो छोड़ाए केसर भाई, ये गिस्सर भी अभी जिंदा है, ये देखिए पर हिला रहे हैं, उंगलियां नहीं, उंगलियां नहीं डालो, ऐसे पकड़ लो, कसके पकड़ना, ज्यादा अंदर नहीं घुसेड़ना वरना उंगलियां जख्मी हो जाएंगी। जोर लगाओ थोड़ा सा, नीचे लाओ पूरा, वेरी गुड वेरी गुड। ये भाई असल में नए शिकारी हैं, ये हमारे मेहमान हैं, आज पहली दफा आए, ये हमारे दामाद हैं, समझो शमीम भाई के दामाद हैं, ये शमीम भाई हैं और ये हमारे आदिल भाई, फर्स्ट टाइम डोरी पकड़ी इन्होंने, फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम इन्होंने समझो कि ये इतना बड़ा हीरा मारा है, तो माशाल्लाह बहुत खुश है, पहली दफा। हाँ, और अभी तकरीबन सुबह 4 बजे का वक्त है, 4 से 4:30 बजे का, क्या टाइम हो रहा है? हालांकि बहुत से लोग आते हैं भाई, टाइम हो रहा है सर जी 4:30, 4:30 हो चुके हैं सर, हालांकि बहुत से लोग आते हैं, सालों में नहीं पिक करते, इन्होंने नहीं पिक कर पाते। आवाज दो, चलें भाई केसर भाई का हम जरा किल्लू छुड़ा दें, ये केसर भाई इतना इजी है। अब मैया दो भाई, चलो जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कीप वॉचिंग फिशिंग इन पाकिस्तान। जैसा मैंने आपको बताया था कि इससे पहले भी हम मछली मार चुके हैं, ये 3 कड़ू हैं, ये बाकी हीरे हैं, इसके नीचे घिसर लगे हुए, ठीक है, इसके अलावा कटल फिश है, डेमरी मैया और शीशी मैया, दिखाइए जरा, ये हमारा शीशी मैया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी फिशिंग हुई है हमें, और ये माल हमारा एक नाइट का है, ठीक है दोस्तों, जिसमें ये शीशी मैया है और इसके अलावा घिसर है, इधर आइए, जो को आपको बर्फ लगाते हुए दिखाते रहे, ये आइस बॉक्स फुल है, इसमें हीरे और जेरे कुंदे, ये देखें इस तरह के घिस्सर बहुत सारे हैं, ये कपड़ा हटाएं जरा दिखाएं, ये देखिए सब घिस्सर, जेरे, काले कुंड, ये सब है, इस तरफ आ जाएं, ये देखिए, ये हमारी टंकी माशाल्लाह फुल लबालब है घिस्सरों से, इसके अलावा भी और है, ये देखिए बड़े घिस्सर, ये सब हमारा एक रात का मच्छी है, ये आ जाए इधर आ जाए, इसके बाद करो भाई, ये हमारे शमीम भाई हैं,
माशाल्लाह सब इस साइज के गिस्सर हैं, बड़े गिस्सर हैं, 12 किलो 15 किलो 18 किलो 20 किलो तक के गिस्सर हैं इसमें, और माशाल्लाह बहुत अच्छी फिशिंग हुई। अभी हम इनको सुला रहे हैं टंकी के अंदर। इसके साइज के छोटे से वहाँ पे बड़े होते हैं। अच्छा देखें दोस्तों, इसके नीचे एक सत्ता में लगा चुका हूँ ऑलरेडी, और ये भी दूसरा सत्ता लग रहा है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? आज क्या तारीख है भाई? केसर भाई, 24। आज 24 तारीख है, हम समंदर पर हैं और गीले हो रहे हैं, नहा रहे हैं, बारिश के मज़े ले रहे हैं। अभी मोहरे में घुसे हुए हम सब। लाच का जो अगला हिस्सा होता है इसे हम मोहरा कहते हैं। अभी मोहरे में मौजूद हैं, बारिश बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो अभी दिखाते हैं आपको बारिश। ये देखिए ये सब गीला हो रहा है, ये देखिए। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हमारा ऊपर जो सामान है तकरीबन सब गीला हो चुका है। अभी इस वक्त हम चार लोग मौजूद हैं यहाँ इस लाच में अंदर मोहरे में। केसर भाई, भैया जी, हैप्पी बारिश। आदिल भाई, शमीम भाई सब घुसे हुए अभी मोहरे के अंदर, सब मोहरे के एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, कुछ नहीं पता कौन कहाँ है। तो बहुत बुरे हालात हैं, वेदर हमें मालूम नहीं था। खैर अगर मालूम भी होता तो हमें तो आना था, 6-8 दिन का हम गैप तो नहीं ले सकते इतना लंबा गैप, तो आना हमारा ज़रूरी था, इसलिए आए हम। 2 दिन हमें मछली मिली है और आज हमें 7वां दिन है समंदर पे, और कल सुबह तक का ये मौसम जो है ख़राब है, यानी आज की नाइट, आज का पूरा दिन, और ये हमारे 2 दिन ज़ाया हो गए समझे फिशिंग के हवाले से। और 2 दिन मछली मिली है इन 7 दिनों में, और कल 8वां दिन लग जाएगा। 8 दिन में यानी 2 दिन हमें मछली मिली, और अब मजीद देखो हमारे कितने दिन लगते हैं। कल एक दोस्त और आ रहे हैं हमारे साथ, उनको हम इंगोल से उठाएंगे, वो भी हमारे मतलब मेरे यूट्यूबर फॉलोवर हैं, आ रहे हैं वो कल, इंशाल्लाह उनको मैं पिक करने जाऊंगा सुबह। कल 2 बजे की फ़्लाइट है उनकी, इंगोल पे लैंड करेंगे वो, इंगोल से हम उनको पिक करने जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि इरफान भाई आपके साथ हम जा सकते हैं। हाँ भाई, जा सकते हैं आप लोग, कॉन्टेक्ट करें आप, बाकी जो सिस्टम होगा आपको सब बता देंगे, क्या सीन है, किस तरह से आप आएंगे, कैसे हम आपको मतलब लेकर आएंगे, इंगोल से आए हैं आप या सुमेरा से आए हैं हमारे साथ, जैसा भी होगा फिर इंशाल्लाह फ़ोन पे आप रब्ता करें। तो नंबर नोट कर लीजिए आप मेरा, वैसे मैं इस वीडियो में पहले भी आपको बता चुका हूँ अपना नंबर कॉन्टेक्ट दे चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको बता चुका हूँ अपना नंबर कॉन्टेक्ट दे चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग नहीं मिला होगा जिनको नंबर, वो मर्जी नंबर अपना सेव कर लें मेरा, 0312-2341-334 जोंग की लाइन, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। ब्रेक ये कि आज की नाइट तो हम कुछ नहीं करेंगे, कोई फिशिंग नहीं होगी, सिर्फ आराम है, और बारिश से बचना है, ख़ुद को भी बचाना है और अपने सामान को भी बचाना है, और जागना है। वैसे सो तो नहीं सकते हम इसमें भी, क्योंकि नातारी निकल जाए 100 मसले मसाइल होते हैं, वरम है, हवा है, बारिश चालू है। तो सुबह तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल का दिन देखते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें शिकार दे, मछलियाँ दे, जल्द अज जल्द दे, ताकि जल्द अज जल्द हम भी अपने घर पहुँच जाएँ। दुआ किया करें आप लोग भी हमारे लिए, समंदर पर आते हैं बहुत रिक्सी है, तूफ़ान आते हैं, बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं, पिछले साल जो तूफ़ान आया था उसमें हम लोग फंस गए थे, लेकिन आपकी दुआओं से, हमारे घर वालों की दुआओं से, खैर खैरियत से हम लोग पहुँच गए किनारे तक तूफ़ान में। यहाँ से निकले थे तकरीबन 18 घंटे का सफ़र है, यहाँ से मिलान से 18 घंटे का सफ़र है सुमेरा तक का, तो ये सफ़र हमने तय कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल को जो है लाइक करें, मेरी वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? देखिए आज हम आपको दिखाते हैं आज का माल, एक रात का, जो हमने एक नाइट में पकड़ा है 11 बजे से और सुबह के तकरीबन 5:30 बजे तक का, ठीक है दोस्तों। और अपनी टीम भी दिखाता हूँ, सबसे पहले आप मेरी टीम से मिलिए। केसर भाई, शमीम भाई, इमरान भाई, आदिल नाकवा,
ठीक है दोस्तों। और मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, इरफान राजपूत। और ये है हमारा आज का माल, ये देखिए इसमें गिस्सर है, सांस ले रहे, ये भी जिंदा है, ये देखिए ये अभी आया, ये भी अभी आया, ये वाला भी अभी आया, ये जिंदा है अभी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कड़ू है 3 दाने जो कि सुए के बच्चे हैं, नर। इसके अलावा हमारे पास हीरे हैं बड़े साइज के, और एक वाइट बैराकुडा और एक ब्लैक बैराकुडा। ये हमारा एक नाइट का माल है, 11 बजे से सुबह 5:30 बजे तक। देखते रहिए इरफान राजपूत, ठीक है मेरे दोस्तों। भैया डेमरी कटल फिश, कटल फिश भी दिखाते हैं आपको। कटल फिश का है भाई, ये हमारी स्क्विड शीशी मैया, और ये है हमारी कटल फिश। इसमें 2 दाने कटल फिश के हैं, बाकी ये सारा शीशी मैया है, बास्केट में भी और ये शॉपिंग बैग में भी। ये हमारी टीम है, अलकोसर ढूंढे का नाम हमारी लाज का। और इस वक्त हम खड़े हैं मिलान पर खड़े हैं, मिलान नोवाम पर लोकेशन, ठीक है दोस्तों। माशाल्लाह बहुत अच्छा शिकार हुआ है। और जो दोस्त काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि इरफान भाई हम आपके साथ जा सकते हैं, जी मेरे दोस्तों जा सकते हो आप। कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए मेरा, नोट करें, रब्ता करें, इंशाल्लाह जैसा होगा आपको गाइड करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा गाइड करेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए 03122341334, ठीक है दोस्तों। देखते रहिए फिशिंग इन पाकिस्तान, इरफान राजपूत फिशरमैन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम यहाँ मिलान पर खड़े हैं, कल तो हमें मछली नहीं मिली, परसों बहुत अच्छा मछली मिला था। आज मौसम ज़रा ऐसा रोमांटिक मौसम हुआ हुआ है, आप खुद देखिए बारिश के इम्कान है, बादलों ने चारों तरफ से घिरा हुआ है, हमें हवा चल रही है, कोयटा ठंडी हवा है, बहुत मज़ेदार मौसम है। इस मौसम में बस जी चाहता है कि घर पे होना चाहिए था अपनी बीवी बच्चों के साथ, लेकिन हम यहाँ फिशिंग कर रहे हैं और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बच्चों का तो काम बदला है। ये शमीम भाई, केसर भाई, इमरान भाई, आदिल भाई, भाई यहाँ हम सब लोग अभी बैठकर वेट कर रहे हैं, मौसम ठीक हो जाए तो फिशिंग का नमूना बने और फिशिंग हो हमें, ताकि जल्द से जल्द हम भी घर आएँ। आप लोगों की तरह हम भी मतलब अपने घरों में घर वालों के साथ थोड़ा वक्त गुजारें। अभी हमें तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं, आज 8वां दिन है, समंदर पर है। सुनहरा से निकले थे हम लोग, क्या दिन था, मंगल, बुध था, पिछले बुध को निकले थे और आज मंगल हो चुका है, यानी 9वां दिन है। आज 9वां दिन हो गया ना, सातवां दिन है आज, कल हमें 8 दिन हो जाएंगे। बहरहाल फिशिंग हुई है हमें, माशाल्लाह अच्छी फिशिंग हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ, दो दिन हमें मछली मिली, अच्छी मछली मिली। और 7 दिनों में सिर्फ 2 दिन शिकार किया, 2 दिन तो हमारे सफ़र के होते हैं, 5 दिन हमें यहाँ हो चुके आज, अच्छा नहीं है। ये 2 दिन का मौसम ख़राब है, आज और कल का दोस्तों कैसे हैं आप लोग, खैरियत से। आज बारिश के बाद 25 तारीख है, 24 तारीख की बारिश थी, आज 25 तारीख, फिशिंग बहुत अच्छी हो रही है। बहुत सारे दोस्तों को कहना था इरफान भाई फिशिंग करते हुए दिखाएं, और ये देखिए दोस्तों, इधर आ इमरान, कैसे भाई ये पकड़े जल्दी पकड़े। ये देखिए गिस्सर आ गया है, अभी आदिल भाई आंकड़ा मारेंगे। ला 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 ला, ला मुझे। ये देखिए किस्सा, ले आओ ले आओ, वीडियो की सर आया है अभी इरफान भाई को। अबे तू भी फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा है,
वो दे स्टिक दे लाड दे रोक दूं ये ले ये ले ये रही देखा दोस्तों आपने सरारे माशाल्लाह बहुत अच्छी फिशिंग हो रही है। अभी हम खड़े हैं नौ माम पर माशाल्लाह बहुत अच्छी फिशिंग हो रही है। इससे पहले भी हम जिसर मार चुके हैं अच्छे खासे हीरे भी आ रहे हैं। निकल जाएगा वो निकल गया जी। दोस्तों आपने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा शिकार हो रहा है। अभी घिसर आया आपके सामने ही, बस बनाते बनाते ही वीडियो बनाते बनाते घिसर आ गया। अभी मैं मैया लगा रहा हूँ इसमें दोबारा, ये देखिए ये मैया लगाया कांटे में और ये मैं छोड़ने लगा हूँ। ये देखिए दो ये मैंने डोर छोड़ दी। माशाल्लाह बहुत अच्छी फिशिंग हो रही है। मैया भी आ रही है और सर भी अच्छी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे उन दोस्तों के लिए जो कहते जिनका कहना था इरफान भाई मच्छी मारते हुए दिखाएं। असल में मैं बहुत मजबूर हूँ। अभी देखें मछली चारा जो है ना उतार गई वीडियो बनाने के चक्कर में। ये देखिए एक डोर ये लगी हुई, एक डोर ये लगी हुई और एक डोर ये लगी हुई। अब मैंने तीन डोरें लगाई हुई और इसके अलावा मैं मोती चला रहा हूँ, इसके अलावा मैं मोती भी चला रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। और बाकी जैसा होगा इंशाल्लाह आप कमेंट्स करें, आपको अगर कुछ सीखना है इसर के लिए या जेरे के लिए हीरे के लिए किस तरह की डोरी किस तरह का पॉइंट, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, हाँ जी अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके शेयर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करें लाइक करें। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले भी हम मछली मार चुके हैं। ये तीन कड़ू हैं, ये बाकी हीरे हैं, इसके नीचे घिसर लगे हुए। ठीक है, इसके अलावा कटल फिश है, डेमरी मैया और शीशी मैया दिखाइए जरा। ये हमारा शीशी मैया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी फिशिंग हुई है हमें। और ये माल हमारा एक नाइट का है। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये शीशी मैया है और इसके अलावा घिसर है। इधर आइए जगह आपको बर्फ लगाते हुए दिखाते रहे। ये आइस बॉक्स फुल है, इसमें हीरे और जेरे कुंदे। ये देखें इस तरह के घिसर बहुत सारे हैं। ये कपड़ा हटाएं जरा दिखाएं, ये देखिए सब घिसर जेरे काले कुंड ये सब है। इस तरफ आ जाएं, ये देखिए ये हमारी टंकी माशाल्लाह फुल लबालब है घिसरों से। इसके अलावा भी और है, ये देखिए बड़े घिसर। ये सब हमारा एक रात का मच्छी है। ये आ जाए इधर आ जाए। इसके बाद करा भाई लाइए किसर लीजिए, ये किसर लीजिए, ये हीरा है। हाँ बड़े वाले हीरे हो गए। हाँ उस तरफ काले कुंड लगे हुए, काले कुंड गेरे कुंड है, इसमें जामे हैं। ठीक है जी, कपड़ा डाल दें इधर भी लगाएं। ये हमारे शमीम भाई हैं, माशाल्लाह सब इस साइज के घिसर हैं, बड़े घिसर हैं, 12 किलो 15 किलो 18 किलो 20 किलो तक के घिसर हैं इसमें। और माशाल्लाह बहुत अच्छी फिशिंग हुई है। अभी हम इनको सुला रहे हैं टंकी के अंदर। इसके साइज के लिए छोटे से, हाँ वहाँ पे बड़े होते हैं अच्छे बड़े। देखें दोस्तों इसके नीचे एक सत्ता में लगा चुका हूँ ऑलरेडी और ये भी दूसरा सत्ता लग रहा है। ये देखें ये घिसर लगे हुए हैं, ये सब घिसर हैं।
नहीं है वीडियो अब्बा, हाँ बल्कि यहीं ले लो तस्वीर ले लो। ये हमारे कैसर भाई हैं, मेहमान है हमारे ये। चलो जी फाड़ो, मिल गया ना जाम करके। ये दोस्तों तकरीबन हमारी टंकी फुल हो चुकी है, ये एक कोना जरा सा खाली है, बाकी सब लग चुका है। जी दोस्तों देखिए आप लोगों ने मेरी फिशिंग, लाइव फिशिंग चल रही है ये, और किस तरह के वीडियो बनाते हुए ही आपके सामने आपने देखा कि गिस्सर आ गया। तो मेरे दोस्तों बहुत मुश्किल होती है मुझे वीडियो बनाने में, और क्योंकि एक्स्ट्रा बंदा कोई होता ही नहीं है हमारे साथ, बहुत मुश्किल होता है। इस वक्त थे खैर दो मेहमान थे हमारे साथ जिन्होंने थोड़ा हेल्प आउट किया तो मैं वीडियो थोड़ी बना सका, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा कि मैंने चार डोरें लगाई हुई है, तीन डोरें लगी हुई है, एक मोती चल रहा है, मतलब चारा पकड़ने का मोती, जो कांटा होता है उसे हम मोती कहते हैं जिससे हम चारा पकड़ते हैं, यानी शीशी में ही है स्क्विड। तो आप लोगों ने देखा आप वीडियो बना रहा था और गिस्सर आ गया, गिस्सर खींचा, उसके बाद जो दूसरी जो मेरी डोर थी उसका चारा जो है वो उतार कर ले गए मछली। तो इसलिए मुश्किल होती है मुझे वीडियो बनाने में। तो अब आइए आपको दिखाते हैं अपना किनारे का वापसी का शिकार जो मैंने गड़ानी घोड़े से किया था। हटाओ थैली, हटाओ यहाँ से थैली, टोकरी सब हटाओ। हाँ पूरी टोकरी हटेगी, पूरी टोकरी हटेगी। छोड़ दो, छोड़ दो टोकरी को, मरवा नहीं, छोड़ दो सी उठा के आदिल की तरफ रख दे, इधर रख दो कहीं भी। ये देखें इरफान भाई को मच्छी आया हुआ है और ये ताना हुआ है मच्छी। आप देख रहे हैं फिशिंग इन पाकिस्तान, इरफान राजपूत, जेंगो साइज है। ये देखें जेंगो साइज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई लोग जरा इधर थोड़ा सा चेहरा कराएं, और ये क्या कहते हैं आप लोग, कैसा है हमारा फिशिंग, ये देखा आपने लाइव हम वीडियो बनाई है, गड़ानी घोड़े पर देख सकते हैं। ये तकरीबन 30 किलो का मैक्सिमम होगा, अंदाजा बता रहा हूँ, हो सकता है ऊपर भी हो। ये हमारी सारी टीम वर्क है, ये कैसर भाई, ये हमारे शमीम भाई, ये हमारे इमरान भाई, ये हमारे आदिल भाई, ये इरफान राजपूत और ये बुरहानुद्दीन। शुक्रिया। जी दोस्तों देखा आप लोगों ने कि हमने गडानी घोड़े से भी माशाल्लाह के 30 किलो का गिस्सर मारा है, और ये फुगिये पर मारा है, छोटे साइज का फुगिया था। फुगिया कहते हैं हम, दंदिये की नस्ल है फुगिया, इसके पीले पर होते हैं, इसकी ये पहचान है हल्का काला नीचे से हल्का व्हाइट और येलो टेल, ये फुगिया होता है। छोटे साइज का फुगिया आया था, वो मैंने 3 नंबर के कांटे में लगाया है, 130 पाउंड की लाइन थी ये मेरी, और पानी बहुत ज्यादा तेज था, इसे हम कहते हैं खरा पानी था ये। इस खरे पानी में मैंने 5 अंटे लगाए थे, 5 अंटे, 4 नंबर 5 नंबर के जो होते हैं, वेट का नंबर होता ही, 5 नंबर के अंटे लगाए थे 5 उस पर जो है, मतलब गडानी घोड़े पर तकरीबन 25 वाम पानी, वाम होता है हमारा तकरीबन 5 वाम का, तो 25 वाम पानी पर डोर जितनी ज्यादा डिस्टेंस लेगी उतना ज्यादा लाइन हमारी जो है जाती है, मतलब बहती है डोर, उसके लिए हमें वेट ज्यादा चाहिए होता है। तो इस डोर को हमने खड़ा किया बहुत मुश्किल से, इस घिस्सर मारने के बाद और ज्यादा पानी तेज हो गया तो हम गडानी घोड़े से वापस आ गए गुड्डू वाली, यहाँ हम लोगों ने 3 डेमरी मारी। उसके बाद आइए अब आपको दिखाते हैं अपना किनारे पर माल उतरते हुए। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं दोस्तों, खैरियत से आप लोग। तो हम आपको दिखाने लगे अपना 8 दिन का माल जो कि मिलान कर रहा, 8 दिन का हमारा ये राउंड था, और माशाल्लाह बहुत अच्छी फिशिंग हुई है, ये अब आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। चार टूना है इस साइज के, ये देखिए, ये ज्यादा दूर का नहीं है, ये यहीं का है, गडानी घोड़े का,
ये हमारा रास्ता बिगाड़ रहे हैं, बैग ऊपर छोड़ो। तकरीबन 30 kg का है भाई। मुंह कैमरा घुमा दो, ठीक है जाएंगे। बहुत अच्छी फिशिंग हुई है मैं, और अभी दिखा रहे हैं आपको, बस आप देखते रहिए कितना माल है, ठीक है दोस्तों। ये डेमरी है, ये शीशी है हमारा, बोलिए मैया स्क्विड, निकलना स्टार्ट है, देखते रहिए। इमरान ये काले कुन हैं, जेरे हैं, जो इस वक्त हम आइस बॉक्स में से निकाल रहे हैं। बर्फ में से निकलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा टाइट लगा हुआ है। दोस्तों देखें, ये बर्फ इतनी मच्छी के ऊपर हमने टाइट जाम लगाई हुई है ताकि मच्छी हमारी जो है वो ताजी की ताजी रहती है, और कोई यानी कि इसके अंदर खतरा ही नहीं होता। इतनी टाइट बर्फ हो जाती है, हाँ।
ये कांटा ले ले। कांटा ले ले। अब भाई ये ऐसे नहीं जाएगा। कैसर भाई आप एक पैर ऊपर चढ़ो। दे दूंगा। भाई चेहरा आ रहा है? एक पैर ओढ़े पे रखो। आप ये नीचे से पैंचे खोल लें अपने। जी मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा ये मेरा माल था जो आपने यहाँ देखा। अब हम चलते हैं फिशरी मार्केट में आपको अपना तकरीबन माल दिखाएंगे। अच्छा, आधे से ज्यादा माल हम यहाँ बेच चुके हैं, यहाँ सेल आउट कर दिया हमने। कुछ माल हमारे खरीदार हैं जो हमें फोन करके हमसे माल खरीद लेते हैं, वेट हम कर लेते हैं उसका फिशरी जाकर, बाकी हम माल खरीद लेते हैं हमसे। और बाकी आप आइए, आपको दिखाते हैं फिशरी में। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। आइए फिशरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो मेरे दोस्तों माल आपने देखा हमारा जो किनारे पर उतारा था, अब हम पहुँच चुके हैं फिशरी। तो इसमें से तकरीबन 30% माल जो है हम सुनहरा पर बेच चुके हैं, जिसमें जेरे, हीरे और काले कुंते तकरीबन 50 से 60 kg वो हम बेच चुके हैं। और अब हमारे पास सिर्फ गिट्टर 3 कड़ू, 3 दाने हीरे और 1 मोई है, ये बचा है, बाकी हम बेच चुके हैं। तकरीबन सभी माल बेच चुके हैं, शीशी मैया, डेबरी मैया, काले कुंभ, जेरे कुंभ, हीरे, ये सब हम किनारे पर दे चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये जो माल है हमारा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। हमारे माल की यहाँ बोली होगी बिक्री में, और ये जो है सेल आउट होगा, यहाँ से सेल आउट होगा और हम घर हमारा है कि अच्छा रेट मिलेगा। कीप वॉचिंग पाकिस्तान, राजपूत, फिशरमैन। अस्सलाम वालेकुम।